गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम SPPS स्कूल। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, व्हाट इज ए लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? वी फील एंड वी सी एंड फील मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं एंड महसूस करते हैं अपने चारों ओर, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, स्टोन्स, वाटर, एयर। दिस इज आवर एनवायरमेंट। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने चारों ओर, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, स्टोन। मानव को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, पत्थरों को देखते हैं, पानी देखते हैं एंड अपन हवा भी महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? अपना एनवायरनमेंट है, अपना पर्यावरण है। थिंग्स दैट ब्रीथ, फील एंड मूव ऑन देयर ओन आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जो थिंग्स जो सांस लेते हैं, महसूस करते हैं एंड मूव करते हैं, वो किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में, जो अपने स्वयं के द्वारा मूव करते हैं, सांस लेते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो सारे किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एग्जांपल देखेंगे किसका? लिविंग थिंग्स का। क्या लिविंग थिंग्स? दिस इज ए प्लांट। ये क्या है? एक प्लांट है। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या कर रहा है? ग्रो। जैसे कि ये एक प्लांट है। एक प्लांट, जब एक अपन प्लांट, कोई भी प्लांट का अगर अपन बीज लगाते हैं तो वो क्या करते हैं? उनमें अगर अपन वाटर देते हैं या फिर उनको सनलाइट प्रोवाइड करवाते हैं या फिर उनको एयर, जैसे उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो किस में चेंज हो जाता है? एक प्लांट में चेंज हो जाता है। एक प्लांट जो धीरे 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 ग्रोथ करके क्या बन जाता है? एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। तो लिविंग थिंग्स जो ग्रो प्लांट है वो किस में आएगा? लिविंग थिंग्स में आएगा। और लिविंग थिंग्स में जो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। इट मीन्स लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स। ये क्या है? दिस इज ए बर्ड। ये क्या है? एक बर्ड है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू अलाइव। लिविंग थिंग्स जिनको किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है एंड वाटर टू लाइव, और उनको पानी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। भोजन की और पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। देन नेक्स्ट, दिस इज ए डॉग। ये क्या है? एक डॉग है। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स जो मूव करते हैं, ये क्या है? एक डॉग है। अब देखो, क्या लिविंग थिंग्स जो मूव करते हैं, जैसे कि मानो ह्यूमंस है, जैसे कि मैन है, वुमेन है, डॉग है, केट है, काऊ है, उनको क्या अपन चलाते हैं या फिर वो खुद मूव करते हैं? उनको क्या अपन चलाते हैं या फिर खुद मूव करते हैं? वो अपने आप से मूव करते हैं। इसका मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने स्वयं के द्वारा जाते हैं। इसका मतलब लिविंग थिंग्स मूव करते हैं वन प्लेस टू अनोदर ऑन देयर ओन। तो ये किस में आएंगे? लिविंग थिंग्स में, जो ग्रोथ करते हैं, जिनको फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, और एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूव करते हैं। देन नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स फील। फील महसूस करना। जैसे कि मानो कभी आपको बहुत गर्म पानी में आपका हाथ चला गया हो और आप तुरंत क्या करेंगे? हाथ को तुरंत निकालेंगे। क्यों?
क्योंकि आपको पेन फील हुआ, आपको गर्म लगा, तो आपने क्या किया, फील किया, महसूस हुआ आपको कि आप ये पानी क्या है, गर्म है। इसका मतलब क्या होता है, अपन जो ह्यूमंस होते हैं, जो मेन होते हैं, जो वुमेन होते हैं, वो जो चिल्ड्रन होते हैं, वो किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं। जो फील कर सकते हैं वो किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, फील करते हैं। देन नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। लिविंग थिंग्स जो बच्चे को जन्म देते हैं, जो अपने जैसे को दूसरा बना सकते हैं, अपने जैसा दूसरा बच्चा, अपने जैसा बच्चा पैदा कर सकते हैं, वो किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं। इसका मतलब देखो, लिविंग थिंग्स के कितने एग्जाम्पल हो गए, प्लांट, बर्ड, एनिमल्स, चिल्ड्रंस, मैन, वुमेन, ये सारे, इट मीन्स मोस्टली 3 एग्जाम्पल हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। अब देखो ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइंस फैक्ट क्या दिया हुआ है, नॉट ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू बेबीज। जो लिविंग थिंग्स होते हैं क्या वो सारे ही बच्चों को पैदा करते हैं, नो, लिविंग थिंग्स जो सारे बच्चों को पैदा नहीं करते हैं, इट मीन्स सारे जो बेबीज को जन्म नहीं देते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे भी होते हैं जो एग्स देते हैं, जैसे कि मानो हेन है, हेन है, हेन के बच्चे को क्या कहते हैं, चिक। तो वो हेन है, वो क्या करता है कि बेबीज को जन्म ना देके वो एग देता है, उस एग में से बच्चा उसका बनता है जो चिक। तो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो बच्चे को, बेबीज को जन्म नहीं देते हैं। एंड नॉट ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड, और सारे जो फूड फ्लावर्स के रूप में नहीं खाते हैं। इसका मतलब जैसे प्लांट है, अपन मानते हैं कि अपन तो भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, बर्ड्स है और जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, अपन तो फूड लेते हैं जैसे, लेकिन क्या प्लांट है वो एक लिविंग थिंग है, लेकिन क्या प्लांट भी फ्लावर्स खाता है, नहीं। तो उसमें क्या होता है कि उसको वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है और एयर की, तो वही उसका क्या होता है, फूड होता है। तो जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, कुछ एग्स को जन्म देते हैं, और जो सारे लिविंग थिंग्स है वो फूड नहीं लेते हैं, जिससे फ्लावर्स के रूप में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जिनको जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं करते हैं, क्या प्लांट्स मूव करते हैं, क्या नहीं करते, बट दे मूव देयर बॉडी पार्ट्स। अब मानो कि अपन ने क्या कहा कि लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करते हैं, लेकिन प्लांट तो मूव नहीं करता, क्या वो लिविंग थिंग नहीं है, नहीं वो लिविंग थिंग है, बट प्लांट्स में मूव वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलता है, उसमें दूसरे टाइप की, इट मीन्स कि उसके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। प्लांट्स में अदर टाइप की मूविंग होती है, जैसे कि उनके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सनफ्लावर, सनफ्लावर हमेशा सनफ्लावर का फेस किधर होता है, सन की तरफ होता है, वो मूव ही कर रहा है ना। सनफ्लावर जब सुबह कैसा रहता है, और जैसे ही सन आने के बाद कैसा होता है, सनफ्लावर का फेस किधर चला जाता है, सन की तरफ चला जाता है। तो प्लांट्स में क्या हुई, मूव हुई ना, मूविंग। इस तरीके से प्लांट्स में अलग अलग टाइप की मूव होती है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अभी तक अपन ने क्या देखा, लिविंग थिंग्स, अब अपन क्या पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच डू नॉट ब्रीथ, जो सांस नहीं लेते हैं, जिनको फील नहीं होता है, और जो मूव नहीं करते हैं अपने स्वयं के द्वारा, वो क्या कहलाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि वॉल, ये क्या है, वॉल दीवार है। क्या आपने कभी देखा है कि आपके घर की दीवार अपने आप से बड़ी हो जाती है,
नहीं होती ना, क्योंकि उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे ये क्या है, दिस इज ए डॉल, ये एक डॉल है। आपके पास डॉल होती है, क्या उस डॉल को आपने कभी खाना खिलाया है, कभी पानी पिलाया है? उस डॉल को ना फूड की जरूरत होती है और ना वाटर की जरूरत होती है। अब डॉल, क्या डॉल भी ग्रोथ करती है? नहीं करती है। नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ग्रोथ करते हैं और ना ही उनको फूड और वाटर की जरूरत होती है। दिस इज ए अलमीरा। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन ए देयर ऑन, ये क्या है, अलमारी है। तो इसमें क्या, कभी आपने देखा है कि अलमारी अपने आप दूसरी जगह चली जाती है? नहीं, कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है जो ग्रोथ जो मूव नहीं करती हैं, जो अपने आप से मूव नहीं करते हैं। दिस इज ए टेबल। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, इनको आप नॉन लिविंग थिंग्स पे कितना भी सामान रखो, मानो ये एक टेबल है, इस पे आप 10 बुक्स रखोगे, क्या इनको दर्द फील होगा, क्या इनको वजन लगेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इनको फील नहीं होता है। डू नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रोथ, डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, डू नॉट कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन एंड डू नॉट फील पेन, किसी भी तरह का कोई भी पेन फील नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट गिव ब्रिथ टू देयर यंग वंस, क्या कभी आपने देखा है कि एक कार से दूसरी कार, छोटी कार अपने आप बन जाती है? ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने जैसे यंग वंस को जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इसका मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स कौन से हुए, जिसमें ना तो ग्रोथ होती है, ना इनको फूड की ज़रूरत होती है, ना वाटर की ज़रूरत होती है, और ना ही ये अपने आप से मूव कर सकते हैं, ना इनको पेन फील होता है, ना कुछ फील होता है, ना ये अपने जैसे यंग वंस को जन्म दे सकते हैं। आज अपन ने पढ़ा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, क्या दोनों चीज़ें क्लियर हुई? तो आज का आपका होमवर्क क्या जाएगा, आज आपको करना है 10 वर्ड्स लिखने हैं। क्या 5 एग्जाम्पल तो आपको लिखने हैं लिविंग थिंग्स के, और 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। थैंक यू सो मच।